नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से अदालत में लंबित एक आवेदन के बावजूद ठीक से विचार किए बिना ही पेड़ों को काटने की अनुमति देने के लिए कड़ी फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति ओका ने कहा, मुझे लगता है कि उपराज्यपाल खुद को अदालत समझ रहे हैं। क्या कोई अधिकारी LG के पास ये बताने गया था कि हमें आगे बढ़ने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता है? पीठ ने जोर देकर कहा कि वीके सक्सेना सहित सभी संबंधित पक्षों में इस मामले में गलतियां की हैं और स्पष्टीकरण के साथ अदालत में आने की बजाय इन गलतियों को छिपाने का विकल्प चुनने के लिए सभी की आलोचना की है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। वोटों की गिनती शुरू हो गई है और थोड़ी देर में रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर NDA बनाम इंडिया की लड़ाई देखने को मिलेगी। जिन राज्यों में उपचुनाव हुए हैं उनमें मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और तमिलनाडु शामिल हैं। ये चुनाव परिणाम इस मायने में भी खास हैं क्योंकि कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू की पत्नी कमलेश ठाकुर भी इसमें शामिल हैं। आज 13 तारीख है और 13 सीटों के परिणाम घोषित हो रहे हैं। मतगणना जारी है, वहीं बद्रीनाथ काउंटिंग में प्रथम चरण में भाजपा के खाते में 1726 और कांग्रेस के खाते में 1921 वोट आए हैं, यानी कांग्रेस इस सीट पर आगे चल रही है। पंजाब के जलंधर पश्चिमी सीट पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस से बीच टक्कर चल रही है। आपके प्रत्याशी मोहिंदर भगत आगे चल रहे हैं। कांग्रेस की उम्मीदवार सुरिंदर कौर और BJP की प्रत्याशी शीतल गुंजराज दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। रुपौली में शुरुआती रुझानों में जनता दल यूनाइटेड ने कलाधर मंडल सीट पर आगे चल रही है। वहीं मंगलौर में उपचुनाव से पहले राउंड में कांग्रेस 4613 वोटों से आगे चल रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व CM अखिलेश यादव ने BJP पर हमला किया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर एक लंबा पोस्ट कर दिया है और बताया कि BJP बताए कि वे अपने काले दिनों के लिए कौन सी तारीख चुनेगी। अखिलेश ने एक्स पर लिखा, 30 जून को बापू हत्या दिवस व लोकतंत्र हत्या दिवस के संयुक्त दिवस के रूप में मनाना चाहिए क्योंकि इसी दिन चंडीगढ़ में भाजपा ने मेयर चुनाव में धांधली की थी। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड शुक्रवार को संसद में तब विश्वास मत हार गए जब उनकी गठबंधन सरकार में सबसे बड़ी पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इस कारण उन्हें 19 महीने सत्ता में रहने के बाद पद छोड़ना पड़ा। दहल संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के आधे से ज्यादा सदस्यों का समर्थन हासिल करने में विफल रहे, जो वोट जीतने के लिए जरूरी था। नेपाली कांग्रेस के समर्थन से CPN-UML के अध्यक्ष KP Sharma Oli नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल सकते हैं। नए गठबंधन ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ओली नए प्रधानमंत्री बनेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा एक अलग तरह की पार्टी है और यह वजह है कि पार्टी ने बार बार वोटरों का विश्वास जीता है। उन्होंने भाजपा को कांग्रेस द्वारा की गई गलतियों को दोहराने को लेकर आगाह किया। गडकरी ने कहा कि भाजपा को वो गलतियां नहीं करनी हैं जो कांग्रेस ने की हैं और उसकी वजह से देश की सबसे पुरानी पार्टी को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। गडकरी ने इस बात पर जोर दिया कि अगर हम भी वही करते रहेंगे जो कांग्रेस करती रही है तो उनके जाने और हमारे आने का कोई मतलब नहीं है। गडकरी ने गोवा की राजधानी पणजी में गोवा भाजपा कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। मुंबई दौरे पर गई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को शिवसेना UBT के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से बांद्रा इलाके में स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। बैठक के बाद उद्धव के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता में ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर जोरदार हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा, केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार अस्थिर है और हो सकता है कि ये अपना कार्यकाल पूरा न कर पाए। पत्रकारों के सवाल पूछने पर ममता ने स्पष्ट कहा, संभव है कि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, खेला शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं और नेताओं को संदेश दिया कि किसी
के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने से हमें बचना चाहिए। राहुल गांधी ने इस पोस्ट में खासकर बीजेपी नेता स्मृति ईरानी का जिक्र किया। राहुल गांधी के इस पोस्ट में छिपे संदेश की कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने तारीफ की। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि विनम्रता, सम्मान, सहानुभूति और गरिमा, ये वे मूल्य हैं जिन्हें हम बहुत संजोते हैं, काश और भी सीखने को मिलता। राजद ने कहा कि भाजपा और जेडीयू के नेता लालू के परिवार पर जितनी चिंता करते हैं उसका 10% भी यदि राज्य के बारे में चिंता करें तो आज बिहार का पूरा सिस्टम इस प्रकार ध्वस्त नहीं होता। राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार में शामिल बिहार के मंत्री हों या बिहार सरकार में मंत्री हों, इनकी सारी ऊर्जा और समय लालू प्रसाद और तेजस्वी प्रताप के परिवार को गाली देने में ही खर्च हो जाती है, वे सरकार का काम कब करेंगे। चितरंजन गगन ने कहा कि आज कहीं पुल जल समाधि ले रहा है तो कहीं सड़क ध्वस्त हो गई है, वे आज कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं है। सेना प्रमुख के रूप में 30 जून को कार्यभार संभालने के बाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पूर्वोत्तर की अपनी पहली यात्रा की। इस दौरान उन्होंने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में चीनी सीमा पर सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान जनरल द्विवेदी ने दीनापुर मुख्यालय वाली 2 कोर सहित पूर्वी सेना कमान के तहत सभी कोर संचारों का भी दौरा किया है। इस दौरान उन्हें मणिपुर की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी गई, जहां पिछले 1 साल से बड़े पैमाने पर जाति हिंसा देखी जा रही है। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूस्खलन के चलते बंद बद्रीनाथ हाईवे 83 घंटे बाद खोला गया। हाईवे बंद होने से लगभग 4,500 यात्री जगह जगह फंस गए हैं। बिहार में बिजली गिरने से बीते 24 घंटों में 21 लोगों की जान चली गई। असम में बाढ़ की स्थिति से लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी 12 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। देश में 23 जगहों पर अलग अलग स्थानों पर अगले 5 दिन तक भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। IMD की तरफ से ऑरेंज, रेड और येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com पर।